तत्कुमचानंदे आनंदे माऊ चेयने नंदे सहाऊ परमितात्ते पदे विंदे पाऊ नमियों सिद्ध सुभाव गुरु वेश गोपति रुई गोपति न्याल सहका तारणी तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम जुतौन वर हम अर्थ ती अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकारी वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानं वयं सम्यक्दर्शने त्वं सम्यक्ति चरणं चेतन निरुवं बोलिए सह शमे शुद्धात्मे देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रभव सदगुरु तारण तरण मलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान के अमृतमय वचन अमृतमय वाणी वो अमृतमय जिनवाणी इस जीव को इसके अजर अमर पद का बोध करा रही और वह अजर अमर पद का बोध ही है कि जो कहता है क्या आद्य मनादिशत कितनी अलौकिक अद्भुत आश्चर्यकारी संसारी जीवों को आश्चर्य होगा इस बात को सुनकर। पहली बार सुनने वाले को या सत्य के विश्वास न करने वाले को आश्चर्य होना असंभावी है ही होगा ही उसे आश्चर्य क्यों होगा भैया क्योंकि जिनेंद्र भगवान की अमृतमय देशना वो भव्य जीवों को उनके अजर अमर पद का बोध कराने वाली है और वह अजर अमर पद के बोध का नाम ही है आद्यम अनादि शुद्धम अर्थात मैं शुद्ध चैतन्य लक्षणमय अभी इसी पल इसी क्षण इसी घड़ी वीतराग सत्ता मात्र हूँ बस शुद्ध उपयोग में मेरी चेतना है शुद्ध बिल्कुल शुद्ध न राग में न देश में न विकार में न कर्म में न कालिमा में न संसार में न जन्म में न मरण में। जिनेंद्र भगवान की अमृतमय जो देशना है वो अमृतमय देशना अजर अमर अविनाशी जो अपना शाश्वत पद है इस शाश्वत पद के बोध रूप वो कह रही आद्यम अनादि शुद्धम। आद्यम अनादि शुद्धम का अर्थ है अपनी स्वचेतन में अनादि अनंत शुद्ध सत्ता का बोध बोध और ये प्रकट होता है सर्व भगवान की वाणी के अमृत रसपान करने से अपने आप ही। यहाँ कर्ता भोक्ता वाला काम नहीं यहाँ सहज प्रकट होने वाला काम है सहज क्योंकि देखो भैया अपना दर्शन ज्ञान में स्वभाव सहज है ना दर्शन में ज्ञान में चारित्र में ये अपने अनंत गुण सहज है ना किसी ने बनाए नहीं है ना। आत्मा अनंत गुणों का पिंड है और आत्मा का अनंत स्वभाव दर्शन ज्ञान चारित्र में अनंत ही है। अब जब आत्मा का स्वभाव अनंत है आत्मा अनंत गुणों का पिंड है और इस आत्मा को क्या कहिए किसी ने निर्मित नहीं किया जब ये सहज स्वभाव वाला ही है सहज अपने स्वभाव से ही दर्शन ज्ञान चारित्रमय है तो भगवान जी ये जो दर्शन ज्ञान चारित्रमय जो आत्मा है ये ही तो वो पूर्ण शुद्ध आत्मा है अपने दर्शन से ज्ञान से चारित्र से पूर्ण शुद्ध आत्मा है। अब इसे इसके दर्शन को ज्ञान को चारित्र को कोई निर्मल या कोई
क्या बोलते हैं, मलिन कर थोड़ी सकता। तो भैया फिर ऐसा देखा तो जाता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्रकट होता है, निर्मल सम्यक निर्मल होता है दर्शन ज्ञान चारित्र, तब जीव को मोक्ष होता है। और जब तक दर्शन ज्ञान चारित निर्मल नहीं होता तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता है। देखा तो ऐसे ही जाता है, साधना में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्ताणि मोक्ष मार्ग, ये तीर्थंकरों की वाणी है। इन्हें भगवान आचार्य भगवंतों ने कहा है कि रत्नत्रय की एकता ही मोक्ष का मार्ग, रत्नत्रय की एकता ही, अभेद रत्नत्रय की आराधना ही मोक्ष का मार्ग, ये तो भगवंतों की वाणी में आया है। तो भगवान जी, तो दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता ही तो मोक्ष है, मुक्ति है, सुख है जीव के जीवन में। निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही तो सुख है, बाकी तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तो दुख का मूल है। तो भैया इस बात को कौन नकार रहा है, बात बिल्कुल सही है। आगम में जो बात आई है, आगम जो कह रहा है वो सत्य बिल्कुल सही है, लेकिन जो आगम में ही ये सत्य जो हम कह रहे हैं ना, वो आगम ही कह रहा है। क्या क्या कह रहा है वो आगम, कि ये दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता को बना नहीं रहा कोई, कोई ये करने से नहीं आ रही है पर दर्शन ज्ञान की चारित्र की निर्मलता। अर्थात फिर ये दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता जीव को सहज प्रकट हो रही है, अपने आप प्रकट हो रही है। भाई अपने आप सहज कैसे प्रकट हो रही है, अपने आप कैसे हो रही है, अपने आप ये सहजता में क्यों हो रहा है? भैया अपने आप ये सहजता में क्यों हो रहा है यदि आप इसके लिए पूछ रहे हो, तो भैया इस समय इस जीव के ऐसे होने का काल आ गया, इसलिए ऐसा हो रहा। इसका निमित्त जिसे सर्व भगवान की वाणी का निमित्त मिल गया, निमित्त अपेक्षा से पूछ रहा हो, तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी के निमित्त से ऐसा अपने आप हो रहा, अपने आप हो रहा, अपने आप ही इसके दर्शन ज्ञान चाहत की निर्मलता हो रही। भैया ऐसे यदि हम ऐसा मान लेंगे तो जगत के सारे जीवों की निर्मलता जब होनी होगी होगी, फिर पुरुषार्थ कहाँ बचा? बस भगवान जी ये सहज निर्मल स्वभाव भगवान आत्मा में हूँ, सहज ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ, ये जगत का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, ये सारे निर्मलता का परिणमन भी स्वतंत्र हो रहा है। ऐसा जब स्वसत्ता का बोध होगा ना, तभी तो ज्ञानी कहलाओगे भगवान जी, तभी तो ज्ञानी कहलाओगे जब तुम्हें पुरुषार्थ भी स्वतंत्र दिखाई देगा। स्वच्छंदी होने वाले जीवों की बात नहीं है यहाँ, यहाँ स्वामे चरण करने वाले जीवों की बात, स्वामे चरण करने वाले, स्वामी चरण करने वाले, सम्यक का आराधन करने वाले भव्य जीवों को अपना निर्मलता का शुद्ध पुरुषार्थ भी स्वतंत्र जानने में आता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि उन्होंने ये स्वीकृत किया है ना कि मैं निर्मल दर्शन ज्ञान चेतन स्वरूप ही हूँ, मेरे ज्ञान का स्वभाव ही निर्मल है, ममल है, विमल है। तो निर्मल विमल केवल ज्ञान स्वभाव जो है, उस रूप जो परिणमन है, वो परिणमन का नाम ही चेतना है। निर्मलता रूप सिद्धांत ज्ञान का जो आचरण है, उसका नाम ही चेतना है, वही ध्रुव चेतना है, वही शाश्वत चेतना है। तो भैया जो निर्मलता से निर्मलता रूप परिणमित नहीं हो रही, वो जो राग रूप कसाय रूप मोह रूप मिथ्य दर्शन मिथ्य ज्ञान मिथ्य चायत रूप परिणमित हो रही, वो चेतना नहीं है। तो भैया वो क्या है? वो तो पुद्गल का संयोग, वो तो कर्मधारा, वो शुद्ध चेतना कहाँ? मैं तो आद्यमनादि शुद्धम की, जिनेन भगवान की, सर्व भगवान की वाणी की अनुबोधना की बात कर रहा हूँ ना। सहज दर्शन ज्ञान चायत में परिणमित होता हुआ ध्रुव वीतराग पद कह रहा हूँ ना मैं तो। तो भैया वीतराग ध्रुव पद जिनेन भगवान के द्वारा कहा हुआ वो आद्य मनादि शुद्धम, वो सहज निर्मल विमल केवल ज्ञान स्वभाव है, सहज और सहज निर्मल विमल चेतन रूप ही परिणमित हो रहा है, तभी वो चेतन है। और यदि वो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चायत रूप परिणमित हो रहा है, तो वो तो इस सत्य के बोध से रहित है, अनजान है। अच्छा भैया सत्य के बोध आने के बाद क्या वो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चायत रूप परिणमित नहीं हो सकता? हाँ नहीं हो सकता, मिथ्या दर्शन रूप परिणमित नहीं हो सकता, ज्ञान और चारित्र रूप भी आंशिक शुद्धता उसको आएगी आएगी, श्रद्धा की निर्मलता से ज्ञान और चारित्र में भी आंशिक निर्मलता आएगी, क्योंकि सम्यक चरण चारित्र आएगा ना। ध्रुव में ज्ञान उपबंधम, ध्रुव का ज्ञान में उदय होगा ना, चाहे अंश मात्र में क्यों ना हो, तो वहां दर्शन के साथ साथ श्रद्धान के साथ साथ ज्ञान में और ज्ञान के साथ साथ आचरण में सम्यक चरण चारित्र में उसको निर्मलता आएगी आएगी,
और जितने समय के लिए निर्मलता आई है, जितने समय के लिए उसे अपने ध्रुवता का बोध है, ध्रुवता का श्रद्धान है, उतने समय के लिए वो सत्य आद्य मनादि शुद्धम को जानता है। तो जब वो उस बोध से रहित है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चायत रूप यदि, फिर मिथ्या दृष्टि हो गया, पूर्ण मिथ्या दृष्टि फिर से हो गया, प्रथम उपशम सम्यक होकर द्वितीय उपशम सम्यक होकर छूट गया और वापिस मिथ्या दर्शन ज्ञान चायत रूप परिणमित होने लगा, तो उसे आद्य मनादि शुद्धम का बोध नहीं है, जागृत आत्मा नहीं है। हम जागृत आत्मा की बात कर रहे हैं, जागृत जागृति की बात कर रहे हैं, हम सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं। आप ये मत समझो कि हम सम्यक दर्शन में मिथ्या दर्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, हम ना मिथ्या दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं, ना हम सम्यक दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं, फिर हम जागृत आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, जागृत जिसे अपने आद्य मनादि स्वभाव का बोध आया कि मैं तो निर्मल स्वभाव से ही निर्मल दर्शन ज्ञान चारित्र में हूं, स्वभाव से ही निर्मल दर्शन, निर्मल विमल जो मेरा अनंत स्वभाव है, शुद्ध दर्शन है, शुद्ध ज्ञान है, मेरी जो निरंतराल ध्रुव धारा है, ध्रुव की धारा है, ज्ञान दर्शन का जो मेरा निरंतर परिणमन है, वो मेरा परिणमन ही त्रिकाली रूप है, ध्रुव रूप है, शाश्वत रूप है, शुद्ध रूप है, आद्य मनादि शुद्ध, मेरा परिणमन ही आदि अनंत शुद्ध रूप है, वितराग रूप है। जिसे ये बोध है उसको दर्शन ज्ञान चायत की जो पर्याय चल रही है उन पे दृष्टि नहीं है, निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चायत की जो अवस्थाएं उत्प्रकट हो रही हैं उन पे दृष्टि नहीं है, वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी को ज्ञानी के ज्ञान में निर्मल पर्याय का परिणमन है, लेकिन उस ज्ञानी के ज्ञान में निर्मल पर्याय का परिणमन नहीं दिख रहा, फिर आद्य मनादि शुद्ध क्या दिख रहा है, क्या जानने में आ रहा है कि मैं तो वो आदि अनादि अनंत शुद्ध चेतना, उसका ही परिणमन है, शुद्ध निर्मल ज्ञान चारित्र उसका ही परिणमन है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है ज्ञानी को। क्यों नहीं है भैया, लोग बहुत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए ललायत हो रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाए इसके लिए नाना प्रकार के विकल्प कर रहा है, नाना प्रकार की साधना के विकल्प कर रहे हैं, और आप कह रहे ज्ञानी को दर्शन ज्ञान चारित्र के, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग के कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ, नहीं है उसे, क्यों नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आद्य मनादि शुद्ध निर्मल दर्शन ज्ञान चारित्र ही मेरा परिणमन है, वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का मैं परिणमन ही नहीं मानता ना, उसे आचरण उसे आश्चर्य क्यों होगा। अच्छा देखो देखो, आश्चर्य उसे होगा जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को अपना परिणमन मानता है। जो संसारी जीव, मोही जीव या मोक्ष मार्ग में कदम रखने वाला जीव मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में एकत्र करके बैठा है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना कर रहा है, मतलब चाहे ना प्रथम भूमिका में अभी सच्चा श्रद्धान प्राप्त किए बिना, जिन्हें श्रद्धान हो गया उनकी नहीं, उनकी भावना सहज होती, करने का भाव नहीं रहता, यहाँ अभी प्राथमिक भूमिका में यदि कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करने की चाहत रख रहा है, दर्शन ज्ञान चारित्र में आरोहण करने की भावना रख रहा है, चाहत कर रहा है, अभी उसके श्रद्धान की पूर्णता नहीं हुई, श्रद्धान की निपुणता नहीं आई, ज्ञान में तत्व का जो सहज स्वभाव है उसका सहज श्रद्धान नहीं पनपा अभी, तो वह जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना कर रहा है, उस जीव को यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आश्चर्य होगा, आश्चर्य, अहो बहुत वो लगेगा कि अहो इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी निधि, इतनी बड़ी निधि, इतनी बड़ी निधि, सही में रत्नोत्तर बहुत बड़ी निधि है, मतलब ये लगेगा कि बहुत आश्चर्य लगेगा कि सम्यक दर्शन की जरा सी अनुभूति आएगी तो बहुत वो लगेगा, ओ निर्मल सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक ज्ञान, बहुत आश्चर्य पैदा होगा। तो भैया ज्ञानी साधक को आश्चर्य नहीं होगा, बहुमान आएगा, ओ क्यों, उसे बहुमान क्यों आएगा, क्योंकि उसे पता है ना कि मेरा स्वभाव ही निर्मल है ना, ये जो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो परिणमित हो रहा है ना, ये कोई दूसरा थोड़े परिणमित हो रहा है, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता परिणमन, बता पुद्गल को करवा के बता, निगोदिया जीव को करवा के बता, संसारी मोही जीव को करवा के बता, नहीं होगा, तो फिर कौन होगा, जो ज्ञानी है जिसे अपनी चैतन्यता का बोध है, जिसे अपनी ध्रुवता का बोध है, जिस जीव को अपनी नित्यता का बोध है, अयम आत्म तत्वम, जिसे अपने ज्ञान 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 आनंद में पूर्ण वितराग स्वभाव का बोध है कि ओ आद्य मनादि शुद्धम, सर्व भगवान की वाणी से जो अमृत पी रहा है,
अमृत रस आस्वादन का पान कर रहा है, अमृत का पान कर रहा है, जो वो जिसको इस अमृत के पान से अजर अमर अविनाशी सत्ता का बोध प्रकट हो गया, ओ आत्मनादि सत्ता, उस जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो अपना सहज परिणमन भासेगा। सहज परिणमन जैसे आत्मा का सहज स्वभाव है ना दर्शन, बस वो दर्शन दर्शन रूप तो परिणमित हो रहा है, दर्शन दर्शन को ही तो देख रहा है। आत्मा का सहज स्वभाव है ना ज्ञान, ज्ञान ज्ञान को देख रहा, सामान्यपना समान सहजता, सहजता सामान्यता सहजता, सहजता से ज्ञान ज्ञान रूप है, सहजता से दर्शन दर्शन रूप है, आद्यमनादि शुद्धम इसका नाम है सहज, बिल्कुल सहजता से। हाँ निर्मलता ही मेरा परिणाम है भैया। अभी ऐसे बोध को प्राप्त होने के बाद भी वो जीव को मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहत का परिणाम तो चलेगा भैया। देखो अब परिणाम पर्याय की पर्याय से प्रश्न कर रहे हो आप, पर्याय से जवाब दे रहे हो, आपने पर्याय से पूछा है, पर्याय परिणाम से पूछा है, पर्याय परिणाम से आंसर मिलेगा भैया। उसको मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन चल सकता है कर्म जनित, कर्म उदय जनित, लेकिन भगवान जी, लेकिन भगवान जी उसके ज्ञान की सशक्ति में, उसके ज्ञान की जागृति में, उसके निर्मल दृष्टि, उसके निर्मल श्रद्धान में अभी इस परिणमन के चलते काल में भी, इस समय भी उसको बिल्कुल पूर्णता से ऐसा भासित है, पूर्णता से और हल्का पतला भी नहीं, पूर्णता से उसे ये भासित है, बिल्कुल दृढ़ता से भासित है। ये समझ लो कि वो साक्षी है, क्या कैसा भासित है उसे, क्या है उसको दृढ़ता से, उसको ये है कि ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहत रूप में परिणमित ही नहीं होता, मैं तो शुद्ध वो दाद्य मनादि शुद्ध उसको, उसको मलिनता का बोध नहीं होता, मलिनता का बोध नहीं होता, मलिनता से वैराग होता है, मलिनता से विरक्ति होती है, मलिनता पे दृष्टि नहीं जाती, मलिनता को नकारता नहीं है बल्कि मलिनता को देखता ही नहीं है, मलिनता की चित्त ही नहीं जाता, मैं चित्त स्वीकार ही नहीं करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसे बोध है। बोध किसे कहोगे आप, ध्रुवता का बोध किसे कहोगे आप, सम्यक ज्ञान की भूमिका में आने वाले साधक को कहेंगे, उसे बोध है अपनी ध्रुवता का, और जिसे अपनी ध्रुवता का बोध है उसे अध्रुवता का, अध्रुव पर्यायों का महत्व नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता, अध्रुव पर्यायों में उसका एकत्व नहीं हो सकता, अध्रुव पर्यायों में उसका ममत्व नहीं हो सकता, क्षणभंगुर नाशवान विनाशक मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र में उसको हीनता दीनता पराधीनता या किसी भी प्रकार की कोई भी सल्ल नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, विकल्प चित्त न क्रियते वाला काम है वहां तो, अप्पा परम तुल्यम, मैं तो परमात्मा के तुल्य हूँ, मैं तो परमात्मा के तुल्य हूँ, मैं तो परमात्मा ही हूँ, ब्रह्म स्वरूप आत्मा आदि अनादि शुद्ध हूँ। अब जब मैं ऐसा परम शक्ति परम दैरिक प्रमाण चेतना हूँ, ऐसी परम शक्ति में अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव वाला हूँ, तो फिर मेरा परिणमन ही रत्नत्रयमयी है, मेरा स्वभाव ही मेरी निर्मल स्वभाव की शक्ति ही मेरा परिणमन है, और ये असद मिथ्या दर्शन मिथ्या का मिथ्या चार्ज भैया है, ये मेरा परिणमन ही नहीं है, ये मेरा आत्मा का परिणमन ही है। तो फिर ये किसका परिणमन है, कर्मोदय का परिणमन है, भिन्नता भाषित होगी, साक्षी भाव ज्ञायक पना कह लो, साक्षी भाव कह लो, समता भाव कह लो, तुम सहज उसकी जानन जानन प्रवृत्ति कह लो, सहज ज्ञान दर्शन का स्वभाव कह लो, तुम्हें जो कहना वो कह लो, तुम उसको कोई सा भी नाम धर दो, लेकिन वो उसे अपने ध्रुव तत्व का बोध है, उसे मतलब ही नहीं है पर्याय परिणाम से, तुम उसे ज्ञायक कह लो, साक्षी कह लो, ज्ञाता कह लो, तुम जो कहना है वो कह लो, लेकिन वो है ज्ञानी, बस ज्ञान विज्ञान में रहते, ज्ञान विज्ञान में मल स्वभाव में रहते, उसे पता है कि मेरी चेतना का परिणमन, मेरी चेतना का परिणमन, मेरी ध्रुवता का परिणमन मात्र ध्रुवता ही है, ध्रुव रूपी है, ध्रुव रूपी है, अध्रुवता रूप में परिणमित नहीं होता, ये है आद्य मनादि शब्दम, इसे कहते हैं बोध। कहाँ 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 कैसे कैसे बोध, अब बोध तुम उसे कहीं भी देख लो, जब भी तुम देखोगे इस बोध की अवस्था में उस जीव को, जब भी देखोगे इस जागरण आत्म जागरण की अवस्था में, जब भी उस ज्ञानी को देखोगे, उस ज्ञानी को ज्ञान की जागृत अवस्था में जब भी देखोगे, जहां भी देखोगे,
उसे किसी भी परिणमन में देखोगे, किसी भी परिस्थिति में देखोगे, उसके जागरण से देखना, लेकिन उसके बाहर के परिणमन से मत देखना, उसके इस जागरण से, उसकी जागरण की अवस्था से तुम उसे सोते जागते खाते पीते चलते फिरते हर एक अवस्था में कहीं भी देखोगे तो तुम्हें वो सिर्फ शुद्ध ही दिखाई देगा, बस निर्मल ज्ञान दर्शन में बस। और अशुद्धता रूप, भाई अशुद्धता रूप परिणाम में देखेंगे शुद्धि दिखाई देगा, हाँ उसके अभिप्राय से, उसके अंतरंग की निष्ठा श्रद्धा से वो तुम्हें शुद्धि दिखाई देगा, बिल्कुल शुद्धि दिखाई देगा। और अशुद्धता को क्योंकि फटकार था वो दिखाई देगा, देखो मेरा परिणाम ही नहीं है, मैं तो देखो अभ्यारी, देखो निर्मल दर्शन ज्ञान रूप भेज रहा हूँ, सहज 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 ही दर्शन ज्ञान चाहत में परिणामित होता हूँ मैं भगवान। तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत की भीख किससे मांगते हो, कौन देगा यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत की भीख, जिनेन्द्र भगवान की देशना ही वो अमृत है, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चैत रूप परिणमन को प्रकट कर देगा अपने आप, सहज स्वभाव है मेरा, सहज धारा भेती है मेरे अंदर से रत्नत्रय की, रत्नत्रय स्वभाव अलंकृतम, रत्नत्रय स्वभाव से अलंकृत है मेरा आत्मा, और सहज रत्नत्रय स्वभाव से अलंकृत मेरी चेतना रत्नत्रय की ओर बहती है, ऑटोमेटिकली रत्नत्रय की ओर मेरी चेतना बहती है, अपने आप ही रत्नत्रय की ओर मेरी चेतना बहती है भैया। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र मेरा परिणमन हो तो मुझसे पूछो, देह संयोग विकार ममत्व मोह संसार मेरा परिणमन हो तो पूछो, जब मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र मेरा परिणमन नहीं है, मिथ्या से संबंधित दर्शन ज्ञान चारित्र मेरा परिणमन नहीं है, तो फिर पुद्गल परिणमन शरीर की, रिश्तेदारों की, मोह की, ममत्व की, इनकी बात कहां करते हो भगवान आत्मा, इनकी कहां बात करते हो, इनकी तो कोई हस्ती नहीं है, निरप कर्म भाव कर्म नो कर्म की तो कोई हस्ती नहीं है, जब मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र मेरा परिणमन नहीं है तो फिर और किसी की तो कोई बात ही नहीं है, बचा ही नहीं कुछ, फिर क्या है भगवान जी, एक ही है ना सत्ता, एक सुंद विंद ममले ममल भ्रम स्वभाव 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 स्वभाव, एको हम एक रूप हम, और इसके अलावा तीनों लोकों में द्वितीय नास्ति, तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं, ममले ममल स्वभाव बस, कोई दूसरा नहीं, एक अखंड ज्ञान घन सत्ता, एक अखंड ज्ञान घन पिंड, क्या कैसा एक अखंड ज्ञान घन पिंड, मैं वीतराग ममले ममल स्वभावी आत्मा, न पर से लेना देना, न पर्याय से लेना देना, न परिणमन से लेना देना, एक हम एक रूप हम, शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा, शुद्ध बुद्ध चेतन त्रिकाली सत्ता, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से रत्नात्रय से परिपूर्ण सत्ता, पर से कोई संबंध नहीं, पर्याय से कोई संबंध नहीं, पर परिणामों से कोई संबंध नहीं, ध्रुव स्वभाव स्वभाव ध्रुव, बस ध्रुवता ही मेरा स्वभाव, बहुत गहरी निष्ठा और बहुत गहन विश्वास, ओ मैं आद्यम अनादि शुद्धम, 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 ऐसा कहना नहीं, ऐसा बोध कि निर्मल दर्शन ज्ञान चरित्र में शुद्ध उपयोग में ही मेरा परिणमन है भैया। बाकी संयोग रूप रोते रहो, संयोग नाम पे घर के इतने काम है, संयोग में इतने व्यस्त है, मतलब तुम्हें अभी अपनी चेतना का विश्वास ही नहीं है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चरित्र में इतने इतना एकत्र है कि तुम अपनी शुद्धता के बोध को प्राप्त नहीं करके अशुद्ध होने का बोध प्राप्त करते हो बार बार, वे राग बेरा में बेरा है, मन में बेरा है भैया, नहीं सद रहा, नहीं हो पा रहा भैया, परिणमन में बहुत व्यस्तता है, फुर्सत नहीं मिल रही, मतलब मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चाहत के शरीर आदि के परिणमन से तुम्हारी चेतना बंधी हुई है, इसका मतलब है ना, अपनी चेतना को बंधा हुआ मानते हो, अपनी चेतना को पर्याय से परिणमन से संयोग से निमित्त से निमित्तादीन नाना प्रकार की मिथ्या दृष्टि से तुम अपनी चेतना को बंधा हुआ मानते हो, है ना, अपनी चेतना को स्वतंत्र स्वाधीन निरपेक्ष नहीं जानते, आद्यम अनादि शुद्धम नहीं जानते, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो है ना वो इस रहस्य को नहीं जानते, क्या क्या नहीं जानते भैया, वो नहीं जानते इस रहस्य को, क्या क्या नहीं जानते, वो भी अपनी चेतना को मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहत में बंधा हुआ मानते हैं, कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहत में बंधा हुआ हूं, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहत से छूटना है मुझे, नाना प्रकार के विकल्प करते हैं, ऐसी भावना होना है ऐसी कोई बुराई नहीं है, ऐसे विकल्प रहते हैं, ऐसी
धारणा रहती जीवों के अंदर, लेकिन भैया उन्हें सत्य का बोध ही नहीं होता। कैसे सत्य का बोध? परम सत्य का बोध ही नहीं होता। कैसा परम सत्य? कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता, मैं आद्यम अनादि शुद्धम त्रिकाली आत्मा, मैं आद्यम अनादि शुद्धम भीतराग प्रभु, अपने शुद्ध बुद्ध निराकार स्वभाव से बाहर परिणमित ही नहीं होता, परिणमित ही नहीं होता। मैं ध्रुव भीतराग पद वाला हूं। आप बताओ रत्नत्रय क्या है भैया? मेरी 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 स्वयं की परिणति रत्नत्रय है। मेरी स्वयं की जो निर्मल पर्याय परिणमन है, मेरा स्वयं का जो विशुद्ध निर्मल ज्ञान स्वभाव का परिणमन है, वही रत्नत्रय है, वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है, वही पूर्ण निर्वाण है, वही अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर है, वही केवल दर्शन ज्ञान सुख स्वरूप है, वही पूर्ण स्वतंत्र स्वाधीन आद्यम अनादि शुद्धम चेतना है। अरे भगवान, वही परा बना बनाया संपूर्ण आद्यम अनादि शुद्धम वीतराग अजर अमर पद है, जिसको सर्वक परमात्मा कह रहा है, सर्वक देव बता रहे हैं। लेकिन ये जीव नाना प्रकार की मिथ्या मान्यता में उलझा हुआ, ये जीव नाना प्रकार के पर्याय परिणाम में सत्यता देने वाला, ये जीव नाना प्रकार की पर्याय दृष्टि से अलंकृत, ये जीव इस परम सत्य परम पारिणामिक ध्रुव सत्य को ना देखकर क्षणभंगुर नाशवान नाना प्रकार के भिन्न भिन्न पर्यायों में अपनी परिणमन की मानता करता है कि मैं परिणमित होता हूं। अपने परिणमन को देखता है कि मैं परिणमित होता हूं, मन का स्वीकार करता है, मन की मानता करता है, मन के मुंह में फंसता है और फिर रोता है। इसलिए मानता मानता ये सब मन के मोह सहकार वालों के लिए विशेष विषय है, लेकिन स्वभाव का सहकार नहीं करता, ज्ञान विज्ञान का सहकार नहीं करता, ज्ञान विज्ञान का सहकार नहीं करता, ध्रुपता का सहकार नहीं करता। पता ही नहीं उसे, जागृति नहीं है वो, पता ही नहीं उसे, जागृति नहीं है वो। जिन्हें भगवान के वचनों को पीने की पात्रता ही नहीं है, पात्र ही नहीं उसका इतना बड़ा, क्या जिसमें जिनेन भगवान की वाणी का अंश आ जाए, जिनेन भगवान की वाणी का अंकुरण हो जाए, केवल ज्ञान में वीर अनंत शक्ति का पुंज, वो अनंत पुरुषार्थ उसके चित्त में बैठ जाए, ऐसा उसकी ऐसी पात्रता नहीं बन रही, ऐसी पात्रता नहीं खिल रही। भाई क्यों नहीं खिल रही उसकी ऐसी पात्रता? उसकी ऐसी पात्रता क्यों नहीं बन रही? इसलिए नहीं बन रही कि वो अभी नाना प्रकार से पर्याय को ही देख रहा है, पर्याय को ही जान रहा है, पर्याय को ही मान रहा है और पर्याय परिणमन को स्वीकार कर रहा है, इसलिए उसकी पात्रता नहीं बन रही। जबकि सर्व भगवान की देशना एक ही बोध करा रही है कि अजर अमर अविनाशी शाश्वत स्वभाव है तू, एक ही बात कह रही है जिनेन भगवान की देशना, क्या अप्पानम शुद्धप्पा परमप्पा विमल निर्मल स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिक्षति। आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, विमल है, निर्मल है, चैतन्य में स्वभाव वाला है, इस सिद्ध स्वभाव को पहचानो। नमामि यम देव देवस्य, यही देवों का देव है, यही जिनेन्द्र देव है, यही सुख स्वरूपी आत्मा है, यही तीनों लोकों का नाथ है। आरे सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी तो एक बोध करा रही है, शुद्ध बुद्ध मुक्त ये सब बोध करा रही है। लेकिन ये जीव क्या कह रहा है? सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा, सम्यक चारित्र नहीं हो रहा। अरे भगवान, मतलब अभी जीव की पकड़ बैठी हुई है, काय पे पक्ष बैठा हुआ है, काय पे अनादिकालीन मिथ्या संस्कारों, राग के संस्कार पे, मोह के संस्कार पे। इसलिए मिथ्य दर्शन ज्ञान चारित्र में जो परिणति परिणमित हो रही ना, उसको अपना परिणमन स्वीकार करके बैठा है जीव। ये जीव आत्मा, ये जीव का उपयोग मिथ्या दर्शन ज्ञान के परिणमन में तन्मय होकर बैठा हुआ है। ये इस जीव का उपयोग, मैं शुद्ध उपयोग मैं हूं, चेतन लक्षण में स्वभाव वाला हूं, ऐसे बोध से अनजान है, ऐसे सत्यता के बोध से अनजान है, ऐसे शाश्वतता के बोध से अनजान है। और जिस अज्ञानी जीव का चित्त, जिस अज्ञानी जीव का हृदय अपनी शाश्वत सत्ता के बोध से अनजान है, वो जीव इस तीन लोक में तीन काल में तब तक सुखी नहीं हो सकता पूर्ण। उसकी साधना जब तक निष्ठावंत नहीं कहलाएगी, तब तक उसको पूर्ण ज्ञान की जागृति नहीं कहलाएगी, जब तक वो अपने आद्यम अनादि शुद्धम का बोध प्राप्त ना करे। क्यों भैया बोध की इतनी महत्ता क्यों? क्योंकि बोध हो जाने के बाद वो ज्ञानी हो जाए, ज्ञानी होने के बाद फिर उसकी सारी जो गतिविधियां होंगी, वो सारी गतिविधियां
अपने स्वभाव से होंगी, स्वभाव में होंगी बस, बाकी उसका वैराग्य, संयम, चित्त की पवित्रता, निर्मलता, दृष्टि की पवित्रता, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये सारे आचरण चलेंगे और सब कुछ अच्छा चलेगा, सब कुछ ज्ञान की गहराई से चलेगा, ज्ञान के सहकार पूर्वक चलेगा भैया। लेकिन जागृति बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, बहुत बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। क्यों? वो कभी भी मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहित को अपना परिणमन स्वीकार नहीं करेगा, और जो जीव मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहित को अपना परिणमन स्वीकार नहीं करेगा वो हमेशा हमेशा के लिए इस तीनों लोगों को ज्ञायक हो जाएगा, संसार का ज्ञायक हो जाएगा। मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का परिणमन अपने में स्वीकार नहीं करने का अर्थ है कि ज्ञान में ये सारा मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहित रूप जितना भी संसार परिणमित हो रहा है, जितने भी संयोग देखने में आ रहे हैं, वो सब भिन्न हो जाना, सब गैर रूप हो जाना। मतलब ज्ञान में आने वाले गे वो भी है, मेरा स्वभाव नहीं, ज्ञान का स्वभाव नहीं, ज्ञान जानते ही नहीं, ज्ञान मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहित रूप परिणमित ही नहीं होता, गे मत कहो, है ही कहो सीधा, ज्ञान के लिए है हो जाएंगे दर्शन ज्ञान चाहित का मिथ्या परिणमन ज्ञान के लिए बिल्कुल असत हो जाएगा, नाशवान हो जाएगा, बिल्कुल मिथ्या हो जाएगा। और ज्ञान में जो अपना शाश्वत ध्रुव अटल अचल जो निर्मल विमल स्वरूप है वो वीतराग पद उजागर होकर आ जाएगा, सामने दैदिक प्रमाण होकर आएगा, केवल ज्ञान की ज्योति मई दैदिक प्रमाण होकर आएगा कि ओ ब्रह्म स्वरूपी आत्मा सिद्धो हम शुद्धो हम, अंतरंग से दैदिक प्रमाण ज्योति रूप में आएगा, केवल ज्ञान की दैदिक प्रमाण ज्योति रूप, मैं तो आत्मन आदि शुद्धा, केवल ज्ञान में ध्रुव सत्ता है मेरी, अचल अजल अमर अविनाशी शाश्वत स्वरूप है मेरा, आदि अनादि सत्ता, ध्रुव सत्ता का बोध, आदि अनादि ध्रुव, अनादि से अखंड चेतना हूं मैं, खंड खंड मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं हूं, खंड खंड रत्नात्रेय के विकल्प में नहीं हूं, अखंड रत्नात्रेय दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग मेरा स्वभाव है, मेरे दर्शन ज्ञान की निर्मलता है, मेरा वीतराग ध्रुव पद है, जिन जिनवर स्वामी मेरा वीतराग ध्रुव पद है, ध्रुव पद जिन जिनवर चेतन में सत्ता मेरा वीतराग ध्रुव पद है, मुझे 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 बनना थोड़ी ना है भगवान, मैं तो बना बनाया भगवान, मुझे बनना थोड़ी ना भगवान, मैं तो बना बनाया भगवान हूं, मैं तो पूर्ण आनंद का नाथ हूं, त्रिलोकीनाथ परमात्मा, सारे भेद सारे विकल्प और सारी अज्ञानता जहां पूर्णता से विध्वंस को प्राप्त होती है वहां वहां बोध आता है कि ओ आद्यमनादि शुद्धम, ओ आद्यमनादि शुद्धम, ओ आद्यमनादि शुद्धम, मैं आदि अनादि शुद्ध सत्ता हूं, अंतंग से अंतःकरण से जीव के अंदर में बोध होता है, बोध ध्रुव 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 की सत्ता, ध्रुव की सत्ता, ध्रुव की सत्ता, ध्रुव की सत्ता, ध्रुव की ही सत्ता है, ध्रुव की ही सत्ता है, ध्रुव की ही सत्ता है, संसार से तो कुछ लेना ही देना नहीं है, ध्रुव की ही सत्ता, अंतरंग से बोध आता है जीव को, अंतरंग से, और जहां ऐसा बोध आता है ना सहज जीव को, जितने समय जीव के अंदर में जागृति है, जितने समय जीव इस सत्य को पी रहा है, जितने समय जीव इस सत्य में दृढ़ है, यदि परमानेंटली जीव को ऐसा जागरण हो जाए फिर तो सोने में सुहागा, लेकिन यदि थोड़े समय के लिए भी यदि ऐसा बोध आता है जीव को उतने समय के लिए वो निर्भर हो जाता है, बिल्कुल सब प्रपंचों से मुक्त हो जाता है, सब विकल्पों से मुक्त हो जाता है, सहज आनंद में हो जाता है, सहज आनंद में, सहज स्वभाव आनंद में है ना, सहज स्वभाव ज्ञान प्रकाश में है ना, सहज स्वभाव मुक्त स्वभाव रूप है ना, सहज स्वभाव सिद्धि संपत्ता शुद्ध रूप है ना, तो सहज आनंद में हो जाता है जीव, सहज आनंद में, आनंद में आनंद में आनंद में अपने आप ही हो जाता है, सहज आनंद आने लगता है, अंतरात्मा का सहज आनंद, ध्रुवता का सहज आनंद, सहज आनंद, सहज भैया मैं तो सहज स्वरूप है, ध्रुव आनंद में, ध्रुव चेतन में, ध्रुव सहज स्वभाव है मैं भैया, बोध बोध अपनी चैतन्यता का बोध बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज, वो चैतन्यता का बोध अपनी चैतन्यता को जरा सा भी मिथ्या रूप जोड़ता ही नहीं है, वो कहते नहीं कि मेरी चेतन चेतन पर चेतन कभी चेतन कभी भी मिथ्या पर्याय से कोई संबंध ही नहीं जोड़ता, वो कभी कह ही नहीं सकता कि चेतन पर्याय पर है, कह ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि चेतन कभी पर हो ही नहीं सकता, चेतन तो अपना एक स्वभाव अनुभव की बात है, ये सब चेतन कभी मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहत रूप परिणमित नहीं होता,
भाई मिथ्या दर्शन से ज्ञान चाहे तो परिणमित कौन हो रहा है? वो अज्ञान दशा में जीव परिणमित हो रहा है, वो चेतन होते हुए भी चेतन के बोध से रहित है, इसलिए वो चेतन नहीं होते हुए भी आचार्यों ने मितम अभेद कहा है उसे, जीव होते हुए भी मुर्दा, इसलिए चेतन नहीं कह सकते उसे। फिर चैतन्य किसे कहेंगे? अद्यम अनादि शुद्धम को चैतन्य कह सकते हैं बस। रत्नत्रय पुंज को, अखंड ज्ञायक स्वभाव को चैतन्य कह सकते हैं। चैतन्य पिंड परमात्मा, पिंड पिंड ज्ञान घन पिंड परमात्मा अद्यम अनादि शुद्ध। यदि अंतरंग से ऐसे बोध को प्राप्त हो जाओ भगवान आत्मा, ऐसे बोध ऐसे जागरण की अनुबोधना कर जाओ, वास्तव में ऐसे आत्म अनादि शब्द हम लोग जिन्हें भगवान के समृत को अपने प्राणों में बसा जाओ, यदि बसा लो तो समझ लो हो गया निर्माण, हो गया दर्शन ज्ञान चार्ट की शुद्धि, हो गया पूरा मोक्ष मार्ग, हो गई पूरी साधना तत्वार्थ की, हो गया सब कुछ। एक बार आत्मा आत्मा से अंतरंग से जीव के अंतरंग से ज्ञान श्रद्धा की जागृति हो जाए, कहते ना एक बार ज्ञायक, एक बार ज्ञायक भाव प्रकट हो जाए, एक बार साक्षी रहना आ जाए जीव को, समझ लो जिस समय जीव साक्षी हुआ, एक बार ज्ञायक पना प्रकट हुआ, फिर समझ लो जीव को निर्माण तो अपने आप ही हो जाता है, मोक्ष अपने आप ही हो जाता है। ऐसे ही ये है भगवान जी, एक बार जीव को आत्मा का बोध हुआ, एक बार जीव को आदि अनादि शुद्धम सत्ता का बोध हुआ, अपने बोध में जागरण में रहना सीख गया, तो हम तो कह रहे हैं गायकपना अपने आप हो जाता है, गायकपना इसके पीछे दौड़ा दौड़ा चला जाता है, साक्षी भाव इसके पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा चला जाता है, साक्षी भाव इसके पीछे पीछे आता है, और साक्षी भाव अपने आप ही आता है, और ये जीव अपने आप ही निर्माण की ओर चला जाता है, गायकपना अपने आप इसके पीछे पीछे आएगा दौड़ा दौड़ा, जागरण के पीछे आता है गायकपना, साक्षी भाव इस ज्ञायक, ये ज्ञायक और साक्षी भाव इस सत्य ध्रुव तत्व के गहन श्रद्धान के बल पे आता है, वह इसके पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा आता है, इस बोध के बल पे आता है, अपनी चेतनता के बोध के बल, अपनी स्वसत्ता के बोध के बल पे, अपने ध्रुव तत्व, अपने ध्रुव सत्ता के बोध के बल पे, ये आदि अनादि शुद्धम के सर्व भगवान के जो वचन है ना, उसके बोध के बल पे आता है ज्ञायक भाव पीछे पीछे से, ज्ञायक ज्ञायक जपने से ज्ञायक भाव नहीं आता, ज्ञायक स्वभाव की आराधना करने से ज्ञायकपना सहज आता है, सहज सहज सत्य ध्रुव का श्रद्धान करने से सहज ज्ञायकपना आता है। ज्ञायक भैया ज्ञायक ज्ञायक कहते कहते जीवन निकाल दिया, भाई ज्ञायक भाव का होता पता ही नहीं है, भाई कैसे पता होएगा, क्योंकि ज्ञायक भाव अभेद स्वभाव की निर्मल श्रद्धान ज्ञान की कोख में पैदा होता है, निर्मल ज्ञान ज्ञान श्रद्धान उन जीवों को मिलता है जो जीव सिर्फ निर्मलता के अलावा किसी को नहीं देखते, निर्मलता के अलावा किसी को स्वीकार नहीं करते, निर्मलता के अलावा किसी को नहीं जानते, आद्य मनादि शुद्धम के अलावा किसी को नहीं पहचानते, उन जीवों को निर्मलता प्रकट होती, निर्मलता निर्मलता की बात कर रहे हैं भैया हम, जहां निर्मल जहां कभी मल ना हो वो निर्मल, निर्मलता की बात कर रहा है, ममल तो ध्रुव है अर्क है विंद है, ममल की तो फिर चर्चा ही नहीं है, ममल की सही बात तो ममल में तो आनंद ही आनंद, चर्चा तो विमल और निर्मल की है, निर्मल में भी मल नहीं है, विमल में तो कहते हैं कि भैया विमल में तो कहते हैं कि कर्म मल से छूट गया छुट्टी मुक्त हो गया, वो दर्शन ज्ञान की परिणति की बात आ जाएगी, सम्यक ज्ञान की बात आ जाएगी, और निर्मल में तो आद्य मनादि शुद्धम के बोध की बात आएगी, और ममल में तो ध्रुव तो इनको नहीं सकता कुछ है ही नहीं, शून्य बिंद सकता बस हर के बिंद स्वभाव, ना चर्चा ना कुछ, वहां तो एक आनंद के अलावा कुछ नहीं है, परम आनंद के अलावा कुछ नहीं है, सहकार ध्रुव ममल सहकार के अलावा कुछ नहीं, ध्रुवता का बस ध्रुवता 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 सहज स्वभाव, लेकिन भैया ऐसी अनुमोदन तो हो तुम्हारे अंदर से, अनुमोदन तो हो कम से कम इतना अनुमोदन तो हो कि हो सर्व भगवान की देशना इतनी पवित्र इतनी पावन इतनी पवित्र इतनी पावन इतनी निर्मल स्वाध्याती गंगा इतनी पावन, ये ज्ञान अमृत की धारा इतनी पवित्र इतनी पावन कि वो अपने आप ही जीव को जीव के पवित्रता का जो परिणमन है वो अपने आप ही प्रकट करा देती है, जीव के सहज स्वभाव को सहज ही जीव के जानने में आ जाता है, सहज ही बिना कुछ करे, क्यों? क्योंकि सहज स्वरूप है जीव का, सहज स्वभाव उसी रूप है,
जिस रूप जनवाणी है, जिस अनुसार स्रोत की गंगा है, उस अनुसार ही जीव का सहज स्वभाव है। लेकिन भैया जिस जीव को विश्वास हो जाता है सर्वज्ञ वाणी पे, उसे आता है ऐसा बोध अंदर से, क्या हो मैं तो अजर अमर अविनाशी शाश्वत स्वरूप हूं, ऐसा बोध। निर्णय नहीं, निर्णय अलग बात है, बोध अलग बात है। अभी अधिकतर 90% लोग निर्णय को बोध मानते हैं। निर्णय बहुत अलग चीज है, बहुत अलग चीज है, और बोध बहुत अलग चीज है। निर्णय पहली भूमिका का पहली सीढ़ी है, और बोध दूसरी सीढ़ी है, बहुत आगे की बात आ गई। श्रद्धा ज्ञान की विशेषता से निर्मलता उत्पन्न होने के बाद की बात है। विश्वास गहरा श्रद्धान श्रद्धान में गहरा ध्रुवता का विश्वास उतरने के बाद की बात है। ध्रुवता का गहरा विश्वास उतरने के बाद की बात है। बोध, ओ मैं तो जागृत चेतना हूं, जागृत जागृत ज्ञान में स्वभाव है मेरा। ऐसा अद्भुत सहकार, ऐसे अद्भुत अपने ज्ञान आनंद स्वभाव का सहकार, ऐसे अद्भुत अपने ममल वितराग पद का सहकार जिनके अंतरंग में होता है, उन्हीं को पता लगता कि ओ वो ब्रह्म वितराग स्वभाव, ब्रह्म ज्ञान विज्ञान में स्वरूप, वो अविरल निर्मल विमल बहती हुई अचल धारा, अचल ज्ञान गंगा, अनादि से अनंत तक बहती हुई अचल ज्ञान गंगा, जिसका कोई तोड़ नहीं। ज्ञान की अमृत धारा जो निरंतर बह रही है, उसका बोध। ज्ञान की अमृत निरंतर बहती हुई धारा का बोध, आद्यम अनादि शुद्धम का बोध, इससे जीव मुक्त होता है। भगवान मुक्त होता है मतलब मुक्ति का विलास करता है उसी क्षण। मुक्त होता है मतलब ये इसी समय स्वतंत्रता का भान होता है, इसी समय मुक्ति का मुक्ति श्री का वर्ण होता है, इसी पल। जीव को मोक्ष जाने के बाद मुक्ति थोड़ी ना है, जीव को चैतन्यता का बोध आते ही मुक्ति है। कर्मों से मुक्त, भय से मुक्त, अज्ञानता से मुक्त, नाना प्रकार के मिथ्या पक्षों से मुक्त, मिथ्या अभिप्रायों से मुक्त, संसार की मिथ्या अनुरक्ति से मुक्त, पर के मैं कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप परिणमन से मुक्त। अरे अनंत काल के अनंत अज्ञान जन्य अनंत संस्कारों से मुक्ति का नाम मुक्ति है। और अनादिकालीन संस्कार जो अज्ञान संस्कार है ना, सब जीवों के पास भी, और अपने पास भी, कर्मों दे तो अपने पास भी वो संस्कार है। तो अनादिकालीन जो संस्कार है उन संस्कारों से मुक्त हो जाने का नाम मुक्ति, और वो संस्कारों से मुक्त होने का नाम मुक्ति, अर्थात आद्यम अनादि शुद्धम का बोध। बोध 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 सर्वज्ञ भगवान की वाणी का सहज श्रद्धा। अब क्या हो रहा है नहीं पता, शरीर का परिणमन कहाँ चल रहा है नहीं पता, मन वचन काय का परिणमन कहाँ चल रहा है नहीं पता, मिथ्या दर्शन ज्ञान की धाराएं कौन सी चल रही नहीं पता, वर्तमान में कौन सी पर्याय अवस्था चल रही नहीं पता। और जीव को सिर्फ एक ही चीज पता है, बस बहुत हाई लेवल की बात है, बहुत ऊंची देशना है, एक ही चीज पता है बस, क्या आद्यम अनादि शुद्धम, एक ही बात पता है। यह जागरण की अवस्था का काल है, जीव के अंतरंग में जो चर्चा हो रही ना, ये जीव के अंतरंग में जो जागरण का काल होता है, जागरण का काल है, जब वो जागृत रहता बोध होता है उसे, जब का काल। और जिसे ये बोध हो जाता है, जिस बोध को जान लेते हैं, जिस बोध को प्राप्त कर लेते हैं, वो ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी तत्व के ज्ञाता। वो बाहर वाले ज्ञाना पंडित नहीं है, वो गुरुमाज वाले पंडित है, गुरुमाज ने पंडित कहा, वो पंडित हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञान विज्ञान में स्व पद को अनुभव में लख लेते हैं, ज्ञान विज्ञान में अविकार में सत्ता को अनुभव से लख लेते हैं, अनुभव से चख लेते हैं। ओ ज्ञान विज्ञान में स्वरूप वाला है मेरा स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में ममल स्वरूप में चैतन्य पद का स्वामी, ध्रुव पद का स्वामी, मैं तो रत्नत्रय पुंज हूँ भगवान, रत्नत्रय मेरा परिणमन है, और हर पल है, हर घड़ी है, हर क्षण है। संसार मेरा परिणमन थोड़ी ना, संसार की भावना, संसार की पर्याय, संसार की पराधीनता, ये मेरा परिणमन थोड़ी ना है। फिर परम पारिणामिक ध्रुव ज्ञान घन पिंड स्वरूप, ये मेरा स्वभाव है और ध्रुव स्वभाव है मेरा। ये सब बोध अपनी अंतरात्मा का बोध है। फिर देखो कैसे
कैसे मुक्ति नहीं मिलती, इसी पल इसी क्षण कर्मों से मुक्ति, कर्मधारा से मुक्ति, चिंताओं से मुक्ति, संस्कारों से मुक्ति, नाना प्रकार के विकल्पों के दुख से मुक्ति, हर चीज से मुक्ति भैया, हर चीज से मुक्ति का एक ही उपाय है क्या, इन पर्याय परिणमन की दृष्टि से बिल्कुल हट जाओ और सर्वज्ञ की दृष्टि को स्वीकार कर लो कि सर्वज्ञ जो कह रहा है वो मेरा स्वभाव। केवल ज्ञानी परमात्मा जो कह रहा है वो शब्दम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व में, जो मन वचन काय कह रहा है वो नहीं हूं मैं, जो अनादिकाल के संस्कार कर्मोदय कह रहा है, स्त्री पुरुष पुत्र परिवार जो कह रहा है, संयोग संयोगी भाव जो कह रहा है वो नहीं हूं मैं, फिर जो सर्वक परमात्मा कह रहा है ध्रुव शुद्ध मुक्त केवल ज्ञान प्रकाश में सत्ता वो हूं मैं, अनादि अनंत आत्मा हूं मैं, अनादि अनंत शुद्धात्मा हूं मैं, अनादि अनंत सुख स्वरूप है मेरा, अनादि अनंत केवल ज्ञान में प्रकाश है मेरा, अनादि अनंत ध्रुवता है मेरी, अनादि अनंत ममल है ममल, शुद्ध चेतना है मेरी, शुद्ध चेतना बिल्कुल शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, निर्मल निर्मल ज्ञान विज्ञान में पद ध्रुव शुद्ध भगवान आत्मा, ध्रुव शुद्ध भगवान आत्मा, ज्ञान विज्ञान में पद वाला ध्रुव शुद्ध भगवान आत्मा मेरा, तो पर से पर्याय से परिणाम से पर परिणति से पर की भावना से पराधीनता से कोई लेना देना ही नहीं है, लेना ही देना नहीं है, बस जब लेना ही देना नहीं है छुट्टी, जब अज्ञानता से अज्ञान की भावना से जब मेरा लेना ही देना नहीं है तो फिर छुट्टी, फिर क्या है कुछ नहीं, एको हम एक रूप हम, एक एक रूप स्वीकार करो, एक स्वभाव स्वीकार करो और एक अभेद स्वभाव को स्वीकार करो, भेद में मत करना स्वीकार, भेद से मत करना स्वीकार, भेद भेद प्रभेद से स्वीकार मत करना, रत्नत्रय आ जाए रत्नत्रय हो जाए मतलब फिर आज सम्यक दर्शन हो जाए, कल सम्यक ज्ञान हो जाए, कल परसों सम्यक चारित हो जाएगा, ऐसे नहीं, हाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सब होगा लेकिन कैसे होगा, वो शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा से होगा, शुद्धात्म शुद्धात्मा मात्र मेरा स्वभाव है, ऐसे स्वभाव में आचरण करने से होगा, अपने आप ही होगा, अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप इतना सरल है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता, कब, जब जीव को सर्वक परमात्मा की वाणी की वस्तु स्वरूप की स्वीकारता हो जाए, तब वस्तु स्वभाव की स्वीकारता होने पे इतनी सरल है रत्नत्रय की साधना, जब तक वस्तु स्वभाव की स्वीकारता नहीं है, तथ्य की स्वीकारता नहीं है, सहज स्वभाव का बोध नहीं है, तब तक जीव नाना प्रकार के विकल्पों में नाना प्रकार के उलझनों में और नाना प्रकार के कर्तत्व भोक्तत्व की धारणाओं में उलझा हुआ है, उलझ रहा है, मतलब बेचारा अज्ञानी अज्ञानमयी होके नाना प्रकार से उलझा हुआ है, उलझा पड़ा है, जब तक ये जीव इन नाना प्रकार के विकल्पों में उलझा रहेगा, नाना प्रकार की मिथ्या पर्यायों में मन की नाना प्रकार की मिथ्या संक्लेशित अवस्था में उलझा रहेगा, शरीर आदि पुत्र परिवार मोह ममत्व में ही इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ साथ इन कर्मधाराओं के परिणमन में ही सशंक बना रहेगा, तब तक उसे निशंकपना नहीं आने वाला, जब तक जीव को निशंकता नहीं आएगी, ध्रुव मैं ज्ञान गण विज्ञान गण स्वभाव, जब तक जीव को निशंकता नहीं आएगी निर्भयता नहीं आएगी, तब तक ये जीव 84 लाख उत्पन्न उत्पन्न अनंत भाव, अनंत भाव तक 84 लाख योनियों में कहीं ना कहीं तो परिणमित होगा, वह सम्यक दृष्टि भी है तो भी 58 लाख चले जाएंगे, लेकिन बाकी तो रहेंगे ना, भटकता रहेगा 10 भाव 20 भाव 30 भाव जब तक भटका नहीं उसको, लेकिन भैया ए भैया हे भैया तुम तो सीधी सीधी बात मिल रही ना जिनेन्द्र परमात्मा की, जिनेन्द्र परमात्मा की सीधी सीधी वाणी मिल रही है ना, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ सीधा सीधा सत्य मिल रहा है ना, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ सीधा सीधा आत्मबोध मिल रहा है ना, अब जब तुम्हें सीधा सीधा आत्मबोध मिल रहा है, सीधा सीधा अपने अंतर आत्मा का सीधा सा बोध मिल रहा है कि मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं, जब सीधा सा तुम्हें ध्रुवता का बोध मिल रहा है तो फिर तुम क्यों संसार में चकरा रहे हो भाई, हम कहाँ चकरा रहे, अरे
बाहर से क्रिया बदलने नहीं कह रहे हैं तुमसे कि तुम संसार की क्रिया बंद कर दो, अंदर से तुम काय को लज रहे हो, कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, तुम तो सहज गुपचुप गुपचुप किसी को पता ही नहीं लगे क्या हो रहा है, अपने आत्मा का अंतरंगी अंतरंग में रसपान करते रहो ना, पड़ोसी को पता ही नहीं लगे, पड़ोसी तो मिथ्या दृष्टि है, संसारी तुम्हारे निमित्त में जितने भी जीव है वो तो मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि जीवों को बताओ मत कि हम सम्यक दृष्टि है। देखो एक उदाहरण दे रहा है, जैसे कहते ना कौओं के बीच में यदि कोयल फंस जाए तो कोयल को अपनी सुरीली आवाज नहीं निकालनी चाहिए, ये नहीं बताना चाहिए कि हम कितने धर्मात्मा हैं, क्यों, यदि उसने अपना मीठा गायन गाया मीठी आवाज निकाली तो कौए उसे चोच मार मार के मार देंगे। इसका मतलब क्या कह रहा है, आप क्या बताना चाह रहे हो, व्यवहार से घटा लो तो संसारी जीवों को दिखाने के लिए नहीं है धर्म, यदि संसारी जीव टोक टोक के धर्मात्मा कह के तुम्हें परेशान करेंगे और तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम उनको सहन कर पाओ, नहीं तो ये बाहर से घटाने के लिए नहीं कहा हमने उदाहरण, ये अंदर से घटाने के लिए कहा हमने, ये उदाहरण इसलिए कहा है कि भैया ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र के जो कर्मोदय रूप परिणवन चल रहे हैं ना, इन्हें बताने के लिए नहीं है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, या इन्हें बदलने के लिए नहीं है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, फिर अपने आनंद स्वभाव में अपने आत्मा के बोध होने में रत होने के लिए मैं भगवान आत्मा गायक स्वरूप हूँ, ये कर्म तो अपने आप ही मिट जाएंगे, ये कौए तो अपने आप ही उड़ जाएंगे, ये तो अपने आप ही चले जाएंगे, इनका तो कोई बोई नहीं वजूद ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो अपने आप में ही नश्वर पर्याय वाले हैं, कर्म तो अपने आप में नश्वर पर्याय वाले हैं। भाई किसी से कुछ ना कहो, ना कहने की कोई इच्छा रखो, अपने आत्मा में मगन रहो ना, आत्म में मगन रहो ना, शुद्धात्मा में मगन रहो ना, तुम्हारा गायक ज्ञान में स्वभाव तो तुम्हारे अंदर में है ना, उसमें मगन रहो ना, किसी से क्या लेना देना, बाहर में अज्ञानी कोई तुम्हें अज्ञानी का है तो तुम्हें दिखाना नहीं पड़ेगा कि मैं ज्ञानी हूँ, और अंतरंग में कोई तुमसे कुछ कहे तो तुम्हें बिल्कुल सल लेना है, और अपने आत्म स्वभाव का विश्वास ना छूटे, सर्व भगवान की वाणी का विश्वास ना छूटे, और आत्मा कहे कि अहो मैं तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, अंतर में आत्म परिणति आत्मा में ही विलीन रहे, और बाहर में व्यवहार शरीर का जैसा परिणमन है वो निश्चित है अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता, किसी के करने से नहीं हो रहा, किसी के कराने से नहीं हो रहा, मैं तो आद्य मनादि शुद्धम सत्ता हूँ, 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 शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, ध्रुव ध्रुव परमात्मा हूँ, कुछ कुछ लेना ना देना, मगन रहो अपने, हम तो रोज ही समझा रहे हैं ना भैया कि अपने में मगन रहो, बाहर में कुछ करना नहीं है तुम्हें, बस अपने मगन रहो, जितनी अपनी प्रतीति बढ़ा सकते हो ध्रुव की आद्य मनादि शुद्धम की, सर्व भगवान के वचनों की अंतर ही अंतरंग में जितनी प्रतीति बढ़ सकती है अपने आप बढ़ाओ, अगर अपने आप बढ़ेगी वो कैसे, जिन भगवान की वाणी सुन ली ना आपने, ये अपने आप ही श्रुति में आएगी, अपने आप ही स्मरण में आएगी, अपने आप ही बोध में आएगी, ये वाणी मिली उसी को रही है, उसी पात्र जीव को मिल रही है, जिस पात्र जीव का सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणमन आना है उसी को मिल रही है, वो ही निरंतर जुड़ा हुआ है इस वाणी से, और जिसका आना नहीं है वो या तो जुड़ नहीं पाएगा या जुड़ के छूट जाएगा या फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये वाणी ही उसे मिलेगी, किसे, जिसका ऐसा कार्य सिद्ध होना, जिसकी ऐसी ध्रुवता, जिसकी ऐसी अचलता बिल्कुल सिद्ध होना है, सिद्ध होना है, उसी को मिलेगी, उसी को मिलेगी ये वाणी भगवान जी, ये वाणी उसी को मिलेगी जिसका ऐसे कार्य सिद्ध होना है, और जिसको ऐसे कार्य की सिद्धि नहीं होना उसे नहीं मिलेगी भैया, श्रद्धा से भक्ति से बहुमान से इसे सर्व भगवान के वचनों को पी जाओ ना रोज, अच्छा रोज ही एक बात कहते हैं, रोज ही कहते हैं, रोज ही कहते हैं भैया कि वो केवल ज्ञान से निकल के आ रही है, सर्वक भगवान से निकल के आ रही है और तुम्हारे मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता में समा रही है, रोज कहते हैं, रोज कहते हैं कि आत्म मनादि शुद्धम में जा रही है वो वाणी, लेकिन विश्वास ही नहीं करते, न जाने क्यों नहीं विश्वास होता, मैंने क्यों विश्वास नहीं होता कि वास्तव में वहां से आ रही है और सीधे यहाँ बैठ रही है, जैसा उनका स्वभाव वैसा मेरा स्वभाव, जैसे वो परमात्मा वैसा मैं परमात्मा, ना जाने क्यों विश्वास नहीं करते, क्या ने क्या शंका पड़ी हुई है, ना जाने क्या उलझने पड़ी हुई, ना जाने कौन से मन और इंद्रियों का सहकार करते रहते हो, तो इस सीधी सीधी बात स्वीकार नहीं होती कि सर्व भगवान से आ रही है और मेरे वती ज्ञान शुद्ध ज्ञान में जा रही है, मेरे ज्ञान उपयोग चेतन उपयोग में जा रही है, ना जाने क्यों नहीं कर रहा स्वीकार, क्या ना जाने मंत्रात्मा क्यों स्वीकृत नहीं कर रही तुम्हारी,
ना जाने अंतरात्मा से आवाज क्यों निकल रही है, वास्तव में सत्य है सत्य है सत्य है, कि सीधे सर्वज्ञ परमात्मा के मुखारविंद से आ रही है और सीधे मेरे ज्ञान विज्ञान स्वभाव में जा रही है, ज्ञान विज्ञान स्वभाव में समा रही है। नहीं क्यों नहीं स्वीकार करते, नहीं क्यों नहीं रखते रुचि, इतनी सीधी सीधी बात, सीधी सीधी जिनेन्द्र परमात्मा की सीधी सीधी बात, सदगुरुदेव का सीधा सीधा उपदेश, उनका सीधा सीधा आशीर्वाद, अनमोय जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनो, कि भैया तुम तो अनुमोद ना करो इस वीतराग पद आद्य मनादि शुद्धम अपनी चेतन में निर्मल सत्ता की केवल ज्ञान प्रकाश स्वभाव की कलन मुक्ति गामिनो, इसका ध्यान करो तो मुक्ति में गमन अपने आप ही हो जाएगा। ऐसे वीतराग पद की अनुमोदना करो, ऐसे वीतराग स्वभाव का ध्यान धारण करो तो मुक्ति अपने आप ही हो जाएगी, सिद्धि मुक्ति अपने आप ही हो जाएगी। भैया जब सीधी सीधी बात कह रहा है सर्वज्ञ परमात्मा, सीधी सीधी बात कह रहा है जिनेन्द्र देव, तो तुम्हें सीधी सीधी बात सहजता में सरलता में बिल्कुल स्वीकार क्यों नहीं हो रहे, दृढ़ता से क्यों नहीं बैठ रहे तुम, दृढ़ता से क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है कि वास्तव में सही तो है, बिल्कुल सत्य तो है कि मैं आद्य मनादि शुद्धम सत्य ही तो हूँ, आद्य मनादि शुद्धम वीतराग पद वाला ही तो हूँ, पर पर्याय परिणाम पर भाव से मेरी ज्ञान विज्ञान में सत्ता का कोई संबंध ही तो नहीं है, वास्तव में आद्य मनादि शुद्धम ध्रुप्त ही तो मेरा स्वभाव है। इतना भैया बोध नहीं तो प्रतीति ले आओ, चल भैया बोध की स्थिति नहीं बन रही ज्ञान की, ठीक है श्रद्धान की प्रतीति ले आओ, बार बारंबार बारंबार सारदम दुबम, बारंबार सारदम दुबम, बार बार ध्रुव की श्रद्धा से, बार बार ध्रुव के ज्ञान विज्ञान के पद के स्वभाव के चिंतन से मनन से रमणता से जो कर सको वैसे शाश्वतता की प्रतीति ले आओ, अहो मैं तो शाश्वत आद्य मनादि शुद्धम, प्रतीति ले आओ, प्रतीति में अनंत सुख है, बोध नहीं तो प्रतीति ले आओ, प्रतीति में अनंत सुख है, और जैसे जैसे प्रतीति बढ़ेगी वैसे वैसे बोध अपने आप ही आ जाए, शाश्वतता की प्रतीति ले आओ, निराकार की प्रतीति, ध्रुवता की प्रतीति, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की प्रतीति, आओ अयम आत्म तत्व, अपने आत्म तत्व की प्रतीति, जिन वाणी की प्रतीति, जिन वस्तु स्वभाव की प्रतीति, कर्तव्य भोक्तत्व भाव में चकराते रहते हो, वस्तु स्वभाव की प्रतीति लाते नहीं, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की प्रतीति लाते नहीं हो, पर पे दो दोषारोपण करते रहते हो, कर्मों का विचार करते नहीं हो, तत्व की प्रतीति लाते नहीं हो, इसलिए ज्ञान अज्ञान में होके पर पर्याय में परिणमन करके और तुम्हें पराधीन करके रखता है, पर के आश्रित पर पर्याय के आश्रित क्यों रखता है भैया पराधीन, क्योंकि तुम परमात्म स्वभाव की वस्तु स्वभाव की तत्व की प्रतीति लाते नहीं हो और नाना प्रकार के अज्ञान को ज्ञान भाव में चकराते रहते हो। चलो भैया बोध की बात बहुत ऊंची, भैया आप बहुत ऊंची बात कर रहे हो, बोध तो बहुत ही ऊंची बात हो गई, कोई बात नहीं भैया, प्रतीति ये तो अपना स्वभाव है ना, श्रद्धा तो अपन ने की है ना, तत्व का श्रद्धान तो अपना है ना, तत्व का ज्ञान तो अपने को है ना, आद्य मनादि शुद्धम तो अपन जा स्वीकार कर रहा है ना, चिरन भगवान के अनुयायी तो अपन है ना, तो शाश्वतता की प्रतीति ले आओ अपनी गहरी रुचि के बल पे, गहरी ज्ञान रुचि के बल पे शाश्वतता की प्रतीति ले आओ, कि ओ मैं शाश्वत वीतराग पद वाला निर्मल विमल स्वभावी भगवान आता, इतना ही करो कम से कम, इतना ही करो अपने अभेद अभेद अखंड अविनाशी ध्रुव स्वभाव का कम से कम इतना बोध ही जागृत कर लो, इतनी शाश्वतता की प्रतीति उत्पन्न कर लो, ओ मैं तो ज्ञान ज्ञान विज्ञान में चेतना हूँ, ज्ञान विज्ञान में चेतना हूँ, ज्ञान विज्ञान में चेतना हूँ, और ज्ञान विज्ञान में मेरा अद्विति पद अद्भुत अद्विति पद मेरा मुझमें ही पर, मेरा मेरा अद्वितीय अद्भुत पद मुझमें ही चरण कर रहा है, मैं ही रत्नत्रय का पुंज तो हूँ, मैं ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में परम वीतराग स्वभाव वाला हूँ, परम वीतराग स्वभाव वाला दर्शन ज्ञान चरित्र में ही मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही वो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही वो परमात्मा हूँ, कम से कम इतना ही कर लो भैया जी, भगवान जी इतना ही कर लो, ज्ञानी हो जाओ, प्रतीति लिया आपने ध्रुवता की, बस बाकी फिर देखो तमाशा, संसार का तमाशा चलेगा, संसार में तमाशा चलेगा, कर्मों का तमाशा देखो, फिर ज्ञायक बन के बैठ के बैठ देखो बढ़िया संसार के तमाशे को, अभी कर्ता भोक्ता बन के देख नहीं पाते, उसमें रत हो जाते तो कर्म बंद होता है, ज्ञायक बन के देखो संसार के तमाशे को, कोई कर्म बंद नहीं होगा, ज्ञायक बन के देखोगे मन की धारा को, कोई कर्म बंद नहीं होगा, मोह की धारा को, कोई कर्म बंद नहीं होगा, कोई संचय नहीं होगा, कोई विभ्रम नहीं होगा, ज्ञायक बन के देखो, ज्ञायक हूँ मैं, ज्ञायक भगवान हूँ मैं, ज्ञायक भगवान हूँ मैं, ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूँ, ज्ञायक बन के देखो संसार के तमाशे को, कोई कर्म बंद नहीं है, कोई संसार की यात्रा नहीं है, लेकिन भैया कब, जब ज्ञायक बन के देखो तब तो, अर्थात ज्ञायक बन के स्वीकार करो अपने आप को तब तो,
स्वीकार करो भैया, स्वीकार करो, स्वीकार करो स्वाकृत अपने चेतन लक्षणमय स्वभाव को, शुद्ध उपयोग चेतन लक्षणमय परमात्मा सत्ता को स्वीकार करो भगवान। यही भक्तारिणी विद्या है, यही जिनवाणी का समागम है, यही आगम है, यही जिन वचन है, यही सर्वज्ञ वाणी है, सब कुछ यही है। कुछ नहीं तो भगवान इतना ही तो करो कम से कम कि भैया मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है आद्य मन आदि शब्द, इतना इतना बहुमान तो रखो। हाँ मेरा आद्य मन आदि शुद्धम स्वभाव है, मेरा आद्य मन आदि शुद्धम स्वभाव है। हाँ हाँ मेरा वीतराग पद आदि अनादि शुद्ध मेरा स्वभाव है। हाँ हाँ मेरा आदि अनादि शुद्ध वीतराग पद मेरा स्वभाव है। हाँ हाँ मैं निर्मल ज्ञान स्वभाव में वीतराग भगवान आत्मा हूँ, मेरा चेतन में स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव है। मैं तो ध्रुव केवल ज्ञान स्वरूप वाला हूँ, ध्रुव 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 हूँ। मेरा किसी पर से, मेरा किसी पर्याय से, और मेरा किसी परिणमन से रंच मात्र किंचित भी कोई संबंध, ये बात इतनी बात आ जाए हृदय में, कम से कम आत्म प्रतीति आ जाए अपनी अंतरात्मा में, हृदय में, बस भैया सारे सारे भय खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कब होगा, वो कब होगा, सारी बकवास, सारी मिथ्या चिंताएं, सारी अज्ञानता सब धुल जाएगी एक ज्ञान निर्मल स्वभाव, एक निर्मल ज्ञान स्वभाव के प्रकाश से अपने आप धुल जाएगी। और अंतर से ऐसा विश्वास पैदा होगा, ऐसा अंतरंग आत्मा का विश्वास पैदा होगा, जिस विश्वास के बल पे अनंत चतुर्गति की यात्रा थम जाएगी, फेर जाएगी, मतलब तुम्हारी चेतना से भिन्न हो जाएगी अपने आप। विश्वास में बहुत ताकत होती है, विश्वास में बहुत ताकत होती है, बहुत विश्वास। तो भगवान जीव को सिद्ध बनाने के लिए एक विश्वास ही बस, और कुछ नहीं। सिद्धि की संपदा को स्वयं में दर्शाने के लिए एक विश्वास मात्र, और कुछ नहीं। भैया मैं तो सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, क्या लेना देना संसार मुझे पापी का है, संसार मुझे धर्मात्मा का है, या संसार मुझे भगवान आत्मा का है, संसार के कहने से न मेरा कोई संबंध नहीं। मैं तो स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव और एकमात्र स्वभाव हूँ, स्वभाव के अलावा और कहीं कुछ भी। जहाँ ऐसी जिनेन भगवान सर्वक भगवान के वचनों की निष्ठा होगी, जहाँ ऐसी अंतर आत्मा से वीतराग स्वभाव की निष्ठा होगी, जहाँ ऐसी केवल ज्ञान में स्वभाव जिनेन्द्र देव के वचनों का अंतरंग से श्रद्धान होगा, वही मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति बिलसाई, वही मुक्ति, मुक्ति में बिलसती हुई मिलेगी आपको। वही आदि अनादि शुद्ध परमात्मा अनंत दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव रूप परिणमन करता हुआ मिलेगा आपको, वही मिलेगा आपको मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति बिलसाई, मुक्ति, मुक्ति श्री, मुक्ति में विलास करती हुई आपको वही मिलेगी। कहाँ? जहाँ ऐसा निर्मल ज्ञान का श्रद्धान, निर्मल ज्ञान श्रद्धान आपके अंतरंग में होगा, वहां आपको मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति में विलसती मिलेगी। ये देखो बहुत कहने से कोई लाभ नहीं, बहुत सुनने से भी कोई लाभ नहीं, बहुत सुनने से भी कोई लाभ नहीं, और बहुत कहने से भी कोई लाभ नहीं। लाभ तो तब है जब आप जो आज देशना में कहा है, क्या कि सर्वक परमात्मा कह रहा है, सर्वक परमात्मा की वाणी में आ रहा है, तो कि ये जीव अजर अमर अविनाशी पद वाला है, अजर अमर अविनाशी स्वभाव वाला है, ऐसी सर्वक भगवान की वाणी में आ रहा है, सर्वक भगवान की वाणी इतनी है कि आद्य अनादि शुद्धम, तू आदि अनादि शुद्ध है, और हे भगवान आत्मा, हे जीव, तू ऐसे तत्व के बोध को प्राप्त कर ले बस, इतना इस वाणी का सार है। यदि आप फिर से सुनो पूरी चर्चा को, और आप पकड़ो कि बस मात सही में इतना ही सार है, यदि आपने ऐसे सत्य के बोध को प्राप्त कर लिया, तो रत्नत्रय के विकल्प मिट जाएंगे, रत्नत्रय में परिणमन करती हुई चेतना दिखाई देने लगेगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम, रत्नत्रय प्रकट करना, ऐसे विकल्प मिट जाएंगे, और रत्नत्रय रूप परिणमित होती हुई चेतना दिखने लगेगी। देखो जो चेतना स्वीकार करेगी ना कि मैं आद्य मनादि शुद्धम हूँ, वो चेतना रत्नत्रयमयी है, रत्नत्रय में परिणमित होती हुई चेतना है वो, तुम्हें तो रत्नत्रय में परिणमित होती हुई चेतना दिखाई देगी कि देखो ये सब दर्शन ज्ञान चरित्र में परिणमित होता हुआ मेरा ध्रुव स्वभाव, और रत्नत्रय प्रकट करना, ऐसे विकल्प मिट जाएंगे भैया। इसलिए ध्रुव की भक्ति, ध्रुव की शक्ति और ध्रुव की सहज स्वीकारता जिन जीवों के अंतरंग में वास्तव में मोक्ष मार्ग में आरोहण करने की भावना हो,
जिन जीवों के अंतरंग में वास्तव में जिनेन भगवान क्या कह रहे हैं, उनके जिनेन भगवान के कहे अनुसार अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने की भावना हो, वह जीव अवश्य भैया इस अमृत का रस स्वादन करें। इस जिनेन्द्र भगवान के महान जो यज्ञ हो रहा है, कौन का काय का यज्ञ, मुक्ति श्री का यज्ञ, इस जिनेन्द्र भगवान के मुक्ति श्री के यज्ञ में आके अपने ज्ञान विज्ञान में पद को पहचाने, अज्ञान को ज्ञान को सबको आहुति में डाल दे, सबको अलग कर दे कि मेरा स्वभाव ही नहीं है और मैं ज्ञान विज्ञान में स्वभाव वाला हूँ। सम्यक भावनाओं का, अपने अंतरंग में सम्यक सुरति का, स्मरण बोध का ये प्रकाश प्रकट करे, यही तो गुरुदेव बार बार समझा रहे हैं, यही तो जिनेन्द्र भगवान बार बार समझा रहे हैं। तो इतने के लिए पूरी जिनेन्द्र भगवान की देशना हो रही है। आज की देशना वापस जरूर रिपीट जरूर कर लेना, क्यों, क्योंकि बिल्कुल परम सत्य है आज तो, और कोई इधर उधर की बात नहीं करी कि सर्व भगवान कह रहे हैं वही आद्य मनादि श्रद्धा, और जो जी स्वीकार कर रहा है वो भी उस समय आद्य मनादि श्रद्धा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। निर्मल ज्ञान दर्शन का परिणाम नहीं आद्य मनादि श्रद्धा में भगवान जी, ऐसी गहन स्वीकारता और ऐसी गहन निष्ठा, इसका नाम ही वीतराग मोक्ष मार्ग है भैया। ऐसा शुद्ध वीतराग मोक्ष मार्ग सभी भव्य आत्माओं के अंतर से प्रकट हो, ऐसा शुद्ध वीतराग मोक्ष मार्ग सभी भगवान आत्मा भव्य आत्माओं के अंतरंग से जागरण में आए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण करण मंडलाचार्य महाराज जी की जय हो, जय हो, जय।